ये से कन्हैया जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में क्या लगता है आपको? देख रहे हैं कि ग्वार में भी यहाँ पर ऊपरी स्तर से हल्की सी नरमी बनी है, तो क्या ऐसी उतार चढ़ाव बना रहेगा या फिर यहाँ से अभी तेजी फिर से लौटेगी, क्योंकि देख रहे हैं कि सपोर्ट लेवल्स पर अभी भी टिके हुए हैं? देखिए ग्वार के अंदर यदि आप थोड़ा सा पिछले 2-3-4 महीने का रुख देख लें, तो उसके अंदर ये 57-58 के आसपास, 58 के आसपास, 56-58 के बीच में एक टच करता है, उसके बाद फिर दोबारा मूवमेंट लेके आता है, तो उसके बाद इसी रेंज बाउंड एक्टिविटीज में इसमें चल रहा है। तो इसके अंदर विशेष मैं हमेशा यही कहता हूँ कारोबारियों को कि आप क्षमताओं के आधार पर काम करेंगे और निचले स्तर पर यदि आप मान ले लेंगे बगैर डरे, तो आपको मुनाफा की संभावना अधिक बन जाती है। अब होता यह है कि 56-57 या 58 पे जो माल ले लेता है वो आराम से ना 6500 से 6500 के बीच में धीरे धीरे माल निकाल देता है। अब वो 6500-6600 के आसपास का जब भाव आता है उसके आसपास में फिर एक बार मुनाफा वसूली होती है, 500-700 रुपए निकल जाते हैं। तो जो लोग 6500 रुपए पे जिन्होंने माल खरीदा होता है वो उसको रोक नहीं पाते और वो और उनको नुकसान हो जाता है, लेकिन जिन्होंने 58-600 रुपए के ऊपर माल खरीदा होता है वो जब 6500 से 6600 के बीच में अपना माल काटते हैं तो उनको मुनाफा हो जाता है। तो महत्वपूर्ण ये रहता है कि आपको पकड़ना कहाँ पर है। सवाल इसका नहीं है कि गवार तेज है या मंदा है, क्योंकि गवार के फंडामेंटल मजबूत होने के बावजूद और गवार के में बेतहाशा तेजी दिखाने के बावजूद भी 7000 के ऊपर का इसका भाव था, भाव एनसीडीएक्स पे है और ऑल टाइम हाई या अभी जो लेटेस्ट एक साल के अंदर देखें तो फिजिकल के अंदर इसका भाव करीबन 11 से 12 हजार रुपए तक भी गया। तो उसके बावजूद भी किसान या व्यापारी पैसा नहीं बना पाए, उसका प्रमुख वजह ये है कि जिन्होंने पैसा बनाया, जिन्होंने फंडामेंटल समझा, जिन्होंने लेवल समझे, जिन्होंने बाइंग की और टाइमली मुनाफा करवाया, उन्होंने शानदार पैसा भी बनाया। और जो जिन्होंने टाइमली नहीं कर पाए और वो गलत टर्म पे एंट्री करके उसके बाद नीचे नहीं संभाल पाए और उसके बाद जब निकल जाते हैं उसके बाद फिर वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि साहब एनसीडीएक्स में तो कमा ही नहीं सकता कोई। अब पॉइंट ये है कि आप खरीद कब रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, क्या आपको खरीदने के बाद आपका महीना डेढ़ महीना रोकने की मादा है? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपने मार्जिन कितना एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि यदि ये सुबह लेके शाम तक को बेच लिया जाए और हर रोज 25,000 रुपए छोटा व्यापारी कमा ले तो हर व्यक्ति यहाँ पे खरबपति हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये इसलिए कहा जाता है कि आप लेवल्स का ख्याल करें, लेवल्स को रिस्पेक्ट करें और जब भी माल खरीदें तो उसके अंदर कुछ समय रुकने के मादा रखें, तभी एनसीडीएक्स पे काम करेंगे तो आप बेहतर कमाएंगे। और यदि 200 रुपए टूटे, घबरा गए, माल छोड़ा, फिर वो 300 रुपए बढ़ गया, फिर ऊपर में लिया, फिर वो 50 रुपए ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे गया, तो इस तरह के अंदर तो वो छोटा व्यापारी कारोबारी फंस जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप लेवल को रिस्पेक्ट करें और जो लेवल्स हमने आपको बताए हैं उनको ध्यान से सुने, समझें और उसके बाद में अपना अध्ययन करें और उसके बाद कोई विशेष कार्य करें। जी अखिलेश जी। जी कन्हैया जी।